एवरीबॉडी, माय नेम इज उदय एंड यू आर वाचिंग टेक लाउंज। आज मैं आपको टेक न्यूज नंबर 41 देने वाला हूं, मगर उस पे जाने से पहले आप सबको मेरी तरफ से वेरी वेरी हैप्पी होली। आई होप आप सबकी होली बहुत अच्छे से गई होगी। और इस टेक न्यूज पे जाने से पहले इस चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया है, और आज होली है तो यार आज तो सब्सक्राइब करना बनता है। तो इस टेक न्यूज पे चलते हैं। और जो ये टेक न्यूज नंबर 1 जो आ रही है वो एप्पल की तरफ से आ रही है। एप्पल का जो आईफोन 12 है, इस बार आपको इसमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है। और ये ऐसा पहली बार होगा कि एप्पल में आपको इतना बड़ा कैमरा आपको देखने को मिले, क्योंकि एप्पल हमेशा अपने फोन में 12 मेगापिक्सल से ऊपर कभी नहीं गया। और ये एक यूट्यूबर है एवरीथिंग एप्पल प्रो, इन्होंने ऐसा बोला है कि इस बार आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा एप्पल देने वाला है। और ये सीधा कम्पीट करेगा सैमसंग का जो S20 अल्ट्रा है, जिसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, उसके साथ ये कम्पीट करने वाला है। हालांकि जो पीछे 3 कैमरास हैं उसमें एक तो ये 64 मेगापिक्सल का होगा, और जो बाकी 2 होंगे वो अभी नहीं पता चला कि वो कितने मेगापिक्सल के होने वाले हैं। पहले वो दोनों 12-12 मेगापिक्सल के थे, अब देखना होगा कि वो इसको अब अपग्रेड करते हैं कि नहीं करते। और जो वाइड एंगल कैमरा है वो बताया जा रहा है कि वो इस बार एप्पल उसमें जो अपर्चर होगा वो आपको बड़ा देने वाला है, और ये F1.6 बताया जा रहा है। इसी के साथ जो आईफोन 12 प्रो आएगा, ये मैं अभी आपको जितनी भी लीक्स हैं ये सारी आईफोन 12 प्रो की बता रहा हूँ, आईफोन 12 में क्या आने वाला है वो अभी मुझे नहीं पता। तो जो प्रो इसका वर्जन आएगा उसमें आपको बैटरी भी बहुत बड़ी दी जाएगी। ये बैटरी बताई जा रही है कि 4400 mAh की आपको मिलेगी। और आईफोन जो 11 प्रो आया था उसकी जो बैटरी थी उसकी सबने तारीफ की थी, और जो उसमें जो बैटरी बैकअप था वो काफ़ी अच्छा लोगों को देखने को मिला था। तो इस बार बताया जा रहा है कि उससे भी बड़ी बैटरी आपको आईफोन 12 प्रो में देखने को मिलेगी। ये अभी सिर्फ र्यूमर्स हैं, तो इस पर आप ज़्यादा विश्वास नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जो र्यूमर्स हैं ये एप्पल जब तक अपना फ़ोन लॉन्च नहीं कर देता उससे एक दिन पहले तक आपको ये सारे र्यूमर्स आती रहेंगे। तो ये अभी कुछ सुनने को मिला है, आगे आपको कुछ और सुनने को मिलेगा, तो उसी तरह आप एक र्यूमर की तरह भी इसको लेना। दूसरी न्यूज़ भी एप्पल की तरफ से आ रही है। एप्पल कोरोना वायरस की वजह से जो इसकी सेल हुई है फरवरी मंथ में चाइना में वो काफ़ी कम देखी गई है। ये बताया जा रहा है कि ये 500,000 से भी कम, मतलब 500,000 से भी कम इन लोगों ने अपने फ़ोन बेचे हैं चाइना में। और पिछले साल के मुकाबले फरवरी में एप्पल ने 1.27 मिलियन अपने फ़ोन बेचे थे, और उससे ये काफ़ी कम है। और ये सिर्फ एप्पल के साथ नहीं है, जितने भी दूसरे ब्रांड्स हैं उन सबकी जो सेल हुई है चाइना में कोरोना वायरस की वजह से वो बहुत ही कम देखी गई है। तीसरी न्यूज़, थर्ड न्यूज़ भी एप्पल की तरफ से आ रही है। एप्पल की जो नई वॉच आने वाली है इस साल, उसमें एप्पल 2 नए फीचर्स ऐड करने वाला है। जो पहला फीचर है वो मेजरमेंट ऑफ लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन अ पर्सन ब्लड, और दूसरा जो है वो ECG से रिलेटेड है। पहले लिमिटेशन थी 120 बीट पर मिनट की, उसको रिमूव कर दिया गया है। और जो इनका पहला फीचर है ऑक्सीजन लेवल को लेकर, उसमें बताया जा रहा है कि ये ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन भेज देगा जैसी ऑक्सीजन लेवल आपके ब्लड का कम होता हुआ इसको नज़र आएगा। जैसे इसने सेम हार्ट रेट सेंसर का भी एक ऐसी नोटिफिकेशन भेजना शुरू किया था कि जैसी हार्ट रेट सेंसर एक पर्टिकुलर लेवल से कम या ज़्यादा होता है तो उसमें आपको ये नोटिफिकेशन भेज देता है, तो उसी तरह ये ऑक्सीजन लेवल के लिए भी आपको एक नोटिफिकेशन भेज देगा। इसी के साथ ये अभी तो पता नहीं चला कि ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड है कि ये हार्डवेयर रिलेटेड है, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर रिलेटेड हुआ तो अगर आपके पास एप्पल वॉच है तो ये आपको फीचर्स उसी में देखने को मिल जाएंगे, और अगर ये हार्डवेयर रिलेटेड हुआ तो एप्पल की जो नई वॉच आएगी उसमें आपको ये फीचर्स देखने को मिलेंगे। और वैसे मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि ये ऑक्सीजन लेवल ब्लड में कितना होना चाहिए। ये 95% से 100% तक आपके ब्लड में होना चाहिए, और अगर 80% से ये कम चला जाता है तो आपको ब्रेन और हार्ट से रिलेटेड कहीं प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फोर्थ न्यूज़ रेडमी की तरफ से आ रही है। रेडमी का नोट 9 प्रो ये USFCC साइट पर स्पॉट किया गया है, और वहाँ से पता चला है कि इस बार आपको जो इनका नोट 9 प्रो आएगा उसमें 4920 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलेगी। ये अभी तक के रेडमी नोट सीरीज में सबसे ज़्यादा बैटरी बताई जा रही है, और इसमें बताया जा रहा है कि आपको 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी मिलेगी, और साथ ही साथ जो ये फ़ोन है ये MIUI 11 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 10 के साथ आपको दिया जाएगा। फिफ्थ न्यूज़ कोरोना वायरस से रिलेटेड है। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी हैं करण अवतार सिंह, उन्होंने एक ऐप लॉन्च की है, और इस ऐप का नाम है कोवा पंजाब। ये जो ऐप है ये आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस ऐप में आपको वो मिल जाएंगी। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और फ्री है ये ऐप।
इस ऐप में जो भी करंट इंफॉर्मेशन है कोरोना वायरस से रिलेटेड और जो भी सिम्टम्स वगैरह है वो आपको इसमें बता दिए जाएंगे। अगर आपको इनकेस कोई ऐसा लग रहा है कि ये सिम्टम आपके अंदर आ गया है तो आप नज़दीकी अपने हॉस्पिटल में जाकर इसका चेकअप करा सकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने इस ऐप में आपको ये भी बताया जाएगा कि आपके जो सबसे क्लोजेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है जहां आप इसका इलाज करवा सकते हैं। इसी के साथ इंडियन गवर्नमेंट जैसे ही कुछ भी अपडेट करती है कोरोना वायरस से रिलेटेड तो वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इस ऐप में आपको कुछ प्रिकॉशंस भी दिए जाएंगे कि आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि ताकि आप कोरोना वायरस से बच पाएँ। तो ये ऐप काफ़ी काम की है, मैंने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर ली है और काफ़ी सिंपल सा इसका इंटरफेस है। ये ऐप आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। सिक्स न्यूज़ दोबारा एप्पल की तरफ से आ रही है। एप्पल का जो iOS 14 आने वाला है उसके कुछ रूमर्स सामने आए हैं कि उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड करने वाला है एप्पल इस बार। और ये जो अपडेट होंगे इसमें आपको कुछ फिटनेस से रिलेटेड आपको नई ऐप इसमें देखने को मिलेगी। और इसमें जो ट्रेनिंग वीडियोस होते हैं जिनकी फिटनेस ऐप में वीडियोस हैं वो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर पाएंगे ताकि जब आप वर्कआउट करें तो आपको काफ़ी आसान हो जाएगा कि आप वीडियो देखकर आप आराम से उसको डाउनलोड करके आराम से वर्कआउट कर सकते हैं। इसी के साथ जो मैसेजिंग ऐप्स हैं उसमें भी काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। एप्पल अपनी तरफ से कहीं इसमें नए स्टिकर्स और इमोजीज वगैरह आपको देने वाला है। इसी के साथ आईपैड अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको कई चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो आई पेंसिल आती है उसमें नई ट्रिक्स आपको दी जाएंगी। और ये एक तरीके से जो आईपैड यूज़र्स हैं उनके लिए काफ़ी काम की चीज़ होगी क्योंकि इसमें ऐसा भी बताया जा रहा है कि आईपैड में इस बार आपको फुल माउस कर्सर फंक्शंस आपको दिए जाएंगे और ये बिल्कुल वैसा आपको लगेगा जैसे आप कोई लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। और पहले मैंने अपनी एक टेक न्यूज़ में बताया था कि एप्पल चाहता है कि उसके आईपैड जो है वो लैपटॉप को रिप्लेस कर दें, तो वैसे ही कुछ ये करने वाला है अपने आईपैड्स के साथ कि ताकि जो एक्सपीरियंस आपको आईपैड यूज़ करने का मिले वो बिल्कुल एक लैपटॉप की तरह आपको देखने को मिले। सेवेंथ न्यूज़ शाओमी की तरफ से आ रही है। शाओमी का जो नोट 9 है और नोट 9 प्रो ये इंडिया में 12 मार्च को लॉन्च होने वाले हैं। और ये लीक में ऐसा सुनने में आ रहा है कि शाओमी जो है वो रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स ये एक फ़ोन भी लॉन्च कर सकता है। और इस बार इवेंट में आपको 2 की जगह 3 फोन देखने को मिलेंगे और ये तीसरा फोन अभी तक किसी को पता नहीं था कि ये भी आने वाला है, मगर इस लीक में पता चल रहा है कि ये मैक्स वर्जन नोट 9 प्रो का दे सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जो शाओमी है वो मीडिया टेक का डायमेंसिटी 800 जो इनका नया प्रोसेसर आया था वो आपको देने वाला है। और जो नोट 9 प्रो है उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 720G देखने को मिलेगा जो कि डायरेक्ट कंपटीशन होगा जिसका रियलमी के जो अभी 6 प्रो लॉन्च हुआ है उसके साथ। तो मैक्स में कुछ नया देखने को मिल सकता है और ये काफ़ी पावरफुल बताया जा रहा है। तो देखते हैं ये 12 मार्च को क्या करने वाला है। और ये अभी तो सिर्फ र्यूमर है कि ये मैक्स वर्जन आने वाला है, मगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। एट न्यूज़ कोरोना वायरस की वजह से जो आईफोन 12 आने वाला है उसमें देरी देखने को मिल सकती है। एप्पल ने अपने इंजीनियर्स जो हैं उनको मना किया है कि एशिया को अभी ट्रैवल ना करें और 1 महीने तक के लिए उनको मना किया है कि अभी 1 महीना तो बिल्कुल भी ना सोचें कि आपको चाइना या एशिया में कहीं भी आपको जाना है। तो 1 महीना अभी यहाँ पर डिले दिख रहा है तो हो सकता है कि जो आईफोन 12 आएगा उसमें भी शायद आपको 1 महीना डिले देखने को मिल जाए। 9th न्यूज़ मोटोरोला की तरफ से आ रही है। कई समय से मोटोरोला का एक फ्लैगशिप फ़ोन लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोटोरोला कब अपना एक फ्लैगशिप फ़ोन लेकर आएगा क्योंकि Z3 के बाद अभी तक मोटोरोला कोई फ्लैगशिप फ़ोन लेकर आया नहीं। तो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था मोटोरोला का कि एक H+ नाम का फ़ोन आएगा जो कि एक फ्लैगशिप फ़ोन होगा। तो मोटोरोला का जो H+ है उसकी कुछ लीक सामने आ रही हैं और इससे पता चल रहा है कि मोटोरोला H+ पे काफ़ी काम कर रहा था और जो पिक्चर्स वगैरह है वो काफ़ी शानदार देखने को मिल रही हैं। इसमें पीछे 3 कैमरास आपको देखने को मिल रहे होंगे और जो मेन कैमरा होगा इसमें वो आपको 108 मेगापिक्सल का दिया जाएगा। ये जो कैमरा है ये सेम सैमसंग वाला कैमरा बताया जा रहा है जो सैमसंग ने अपने S20 अल्ट्रा में दिया है। तो पहली बार किसी मोटोरोला फ़ोन में 108 मेगापिक्सल कैमरा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें जो दूसरा कैमरा होगा वो 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड बताया जा रहा है और जो तीसरा कैमरा होगा वो 8 मेगापिक्सल का 3x जूम टेलीफोटो कैमरा बताया जा रहा है। इसमें अगर आप आगे देख पा रहे हो तो आपको कर्व्ड स्क्रीन दी गई है और उसमें एक पंच होल है आगे और ये बताया जा रहा है कि उस पंच होल में आपको 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा।
इसकी जो स्क्रीन साइज होगी वो 6.67 इंच की बताई जा रही है और ये 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आपको मिलेगी। अब ये फ्लैगशिप फोन है तो ये इसमें आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर ये देंगे, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो इसमें बैटरी होगी वो भी काफ़ी बड़ी आपको दी जाएगी, 5170 mAh की बैटरी इसमें बताई जा रही है। टेंथ न्यूज़ ओप्पो की तरफ से आ रही है। ओप्पो का जो फाइंड एक्स 2 है उसने एंटूटू बेंचमार्क में हाईएस्ट स्कोर किया है और इसी के साथ ही साथ इन्होंने जो डीएक्सओ मार्क है जो कैमरा से रिलेटेड होता है उसमें भी हाईएस्ट स्कोर इन्होंने किया है। जो इनका एंटूटू स्कोर है वो 6,37,099 बताया जा रहा है जो अभी तक का सबसे हाईएस्ट है, और जो डीएक्सओ मार्क का स्कोर है वो 124 बताया जा रहा है जो कि मी 10 प्रो का जो स्कोर था 124 उसी के साथ टाई कर रहा है। तो बस यही था आज की टेक न्यूज़ में, और जाने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।